होता है ना। आप बांसुरी के बहुत सारे कलाकारों के साथ आपने बजाया होगा। बांसुरी के साथ मैंने वो टी शंकरन, टी विश्वनाथन के साथ बजाया हूँ, और टी शंकरन के साथ बजाया हूँ, रमणी सर के साथ बजाया हूँ, और आपके ज्यादातर कलाकार हैं उनके साथ भी बजाया हूँ। उत्तर भारतीय संगीत के भी कलाकारों के साथ आपने? उत्तर भारत में हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ मैंने जुगलबंदी किया है जी, अजय चक्रवर्ती जी के साथ जुगलबंदी किया है। तो कैसा लगता है, यानी दोनों बांसुरियों में आप तो चूंकि कर्नाटक बांसुरी और हिंदुस्तानी बांसुरी के साथ भी आप संगत करते रहे हैं। हाँ, कर्नाटक शैली में कृति ओरिएंटेड होता है जी, कृति ओरिएंटेड होता है। इधर तो आप कृति के अलावा नरेवल वो बोलते हैं ना, राग डेवलपमेंट, रागा डेवलपमेंट ज्यादातर हिंदुस्तानी में होता है। उसके हिसाब से अब दो या तीन लाइन लेके उसको डेवलप उसी को डेवलप करके जाते हैं। उधर तो कृति के हिसाब से ही ज्यादातर डेवलप, वो कृति अपने आप में लगभग 10 मिनट की या 15 मिनट की, 15 मिनट का कृति होगा, कृति उसमें एक लाइन को लेके एक्सपैंड करेगा और उसमें स्वर एक्सपेंशन भी होगा जी। वो अलग स्टाइल है, उसका अलग स्टाइल है, इधर का अलग स्टाइल है, मगर हमका रिदम के संबंध में दोनों एक ही है, एक ही है। रिदम के संबंध में विश्व भर का जी एक ही है, मटेरियल एक ही, बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। चार माने चार ही है, आपको ही चार है, मेरे भी चार है। ये जो मात्राओं का कॉम्बिनेशन है, इससे अलग अलग जो ताल बनते हैं, ताल बनते हैं, उसका डिफरेंस होता है, ताल का अप्रोच डिफरेंस होता है, मगर स्टफ एक ही होता है जी। बजने का तरीका डिफरेंस है जी, और अप्रोच का तरीका डिफरेंस है जी, उसमें ये चार ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। इसमें जैसे ये तो हम शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर लोक संगीत की बात करें, लोक संगीत भारत में, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में माना जाता है कि लोक संगीत से ही शास्त्रीय संगीत उत्पत्ति हुई है उसकी, और अभी भी लोक संगीत का बहुत प्रभाव है शास्त्रीय संगीत पर। क्या दक्षिण में भी ऐसा है? दक्षिण में भी लोक संगीत का प्रभाव उतना नहीं है, नहीं कर्नाटक शैली में इतना नहीं है। कर्नाटक शैली एक सेपरेट आइडेंटिटी है, यूनिक एंटिटी भी होता है जी। इससे ज्यादातर लोक संगीत में और फिल्मी संगीत में इसका वो असर उधर पड़ता है। अच्छा। उसका असर इधर नहीं पड़ता। अच्छा। कर्नाटक शैली एकदम रिजिड होता है जी, और एकदम स्ट्रिक्ट भी रहते हैं, कर्नाटक संगीत वालों भी स्ट्रिक्ट रहते हैं, और इतना भी वो फ्रीडम नहीं लेते। विद इन द बाउंड्रीज दे टेक लॉट ऑफ फ्रीडम, आउट ऑफ द बाउंड्री दे डोंट क्रॉस, मोस्ट ऑफ पीपल 90% ऑफ पीपल डोंट क्रॉस द बाउंड्रीज, विद इन द बाउंड्रीज दे डू लॉट ऑफ इनोवेशंस एंड इंप्रोवाइजेशंस। वेरी ट्रू। तो कभी आपका ऐसा मौका हुआ कि लोक संगीत के साथ आपने बजाया हो, या ऐसा कभी? लोक संगीत का मुझे अब तक नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा नहीं। मैं तो एकदम क्लासिकल का कंसंट्रेशन कर रहा हूँ, इसमें भी करना ज्यादा है जी। हाँ, बहुत। ये बताइए कि जैसे डांस में बजाना, इंस्ट्रूमेंट में बजाना और वोकल में बजाना, क्या आपको लगता है तीनों में अलग अलग स्टाइल की तरीका होता है जी? इंस्ट्रूमेंट में ज्यादातर हम मेलोडिक कंटेंट ज्यादा होता है जी, मेलोडिक कंटेंट ज्यादा होता है, वोकल घात्र होता है ना, इसमें वॉल्यूम भी ज्यादा है, इंस्ट्रूमेंट का इतना वॉल्यूम नहीं होता। सो इंस्ट्रूमेंट के बजाते समय हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, हमारा वॉल्यूम भी एडजस्ट कर लेते हैं, हमारा मेलोडिक कंटेंट भी ज्यादा कर लेते हैं। जब हम वोकल को अकॉम्पनी करते हैं, वोकल में ज्यादा फ्रीडम होता है, ज्यादातर जोर से बजाने का स्कोप फ्रीडम होता है, स्कोप भी होता है, उसमें ज्यादातर वैरायटी भी, ज्यादातर रिथमिक वैरायटीज ज्यादा आएगा। और डांस एक अलग फील्ड है, डांस में एकदम रिहर्स करना पड़ेगा, एकदम आर्टिस्ट के साथ जाकर 5-6 बार रिहर्स करना पड़ेगा, और रिहर्सल के साथ ही ये होता है, ये तीनों अलग होता है, सीखना पड़ेगा जी। जैसे डांस के साथ जो लोग मृदंगम बजाते हैं, क्या उनको उनके लिए ये आसान नहीं हो जाता वोकल में और इंस्ट्रूमेंटल में बजाना, या उल्टा होता है, कैसे होता है? आप ये सही बात पूछा जी।
इसमें क्या होता है साउथ में क्लियर डिमार्केशन होता है. ओके. जो डांस में बजाते हैं वो जनरली कॉन्सर्ट्स में नहीं बजाते. जो कॉन्सर्ट का स्पेशलिस्ट है वो डांस में नहीं बजाता. अच्छा. ये इसमें होता है कभी कभी होता है डांस में जो बजाते हैं वो डांस फील्ड को छोड़कर इधर आते हैं. ओके. जो इधर बजा इधर जाते हैं वो इधर छोड़कर उधर जाते हैं. ये मिक्स नहीं होता. मिक्स इतना कम बहुत कम है. तो हम बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, लेकिन हमारी जो सांगीतिक बातचीत है वो ज़्यादा और अच्छी हो इसके लिए हम अब कार्यक्रम का समापन एक भैरवी की धुन से करते हैं. उत्तर भारत में ये परंपरा है कि कार्यक्रम का समापन भैरवी से करते हैं. उधर हम मध्यमावती से. आप मध्यमावती से करते हैं जी. तो आइए एक छोटी सी धुन बजा रहा हूँ. बनारसी भैरवी की धुन है साथ में. बहुत बहुत धन्यवाद. आज की पेशकश में बस इतना ही. नमस्कार.